पूर्व मंत्री और सुमावली सीट पर कांग्रेस के प्रभारी बृजन सिंह राठौर ने ग्वालियर चंबल की सभी सीटों पर जीत का दावा किया है। उन्होंने उपचुनाव के दौरान सरकार प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। ऐसे में तमाम मुद्दों पर पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर से बात की हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी ने। लोग आज सुमावली विधानसभा में हैं, लोगों से मिल रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर जनता की नब्ज क्या कहती है, क्योंकि बात विकास की होती है, दावों की होती है, वो सभी करते हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, और यहाँ तो बसपा भी चुनाव मैदान में है। कांग्रेस के प्रभारी बृजेंद्र सिंह भी मेरे साथ है इस वक्त और लगातार यहाँ बने हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से मंत्री है, पूर्व मंत्री है, लेकिन जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। सर, कितना सुमावली को लेकर जब जनता के बीच में हम भी जा रहे हैं, अब वो तो हम कल दिखाएंगे, पर आप लोग क्या कह रहे हैं, कांग्रेस कहां देख रही है अपने आप को? हाँ, देखिए, जितना मैं घूमा हूं और जितने लोगों से मैं मिला हूं, और न केवल सुमावली, मुरैना में भी, दिमनी में भी, और भी लोगों के बीच में, आपकी बार एक ही प्रश्न है कि जिन लोगों को हमने अपने मत का प्रयोग किया था, जिन लोगों को हमने एक विशेष विचारधारा के साथ विधानसभा में भेजा था, उन्होंने हमें बगैर बताए और हमारे मत को बेचकर दूसरी जगह क्यों चले गए, ये एक आम प्रश्न आम जनता के बीच में बना हुआ है। और चंबल की जो भूमि है, ये यहाँ पर शहादत देने वालों को, यहाँ पर कोई ऐसा काम हो जिससे मान मुरैना का बढ़ता हो, ऐसे लोगों के लिए जान लगाने के लिए तैयार रहते हैं। और अगर यहाँ के लोगों के साथ, किसी के भी साथ भी ये छाप लगती है कि हमारे बीच का, चाहे वो बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, अगर उसके ऊपर ये छाप लगती है कि उसने धोखा किया है, या वो बिक गया है, या वो और किसी तरीके की बदनामी उनके सिर पे आती है, तो किसी भी हालत में, चाहे सुमावली हो, चाहे चंबल का कोई भी भूभाग हो, ऐसे लोगों को ये बर्दाश्त नहीं करते, और ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम ये चंबल के सपूत जो है हमेशा करते आए हैं, और आज भी करेंगे और भविष्य में भी करते रहेंगे। लेकिन विकास के मुद्दे पर पिछली दफा आप लोग सरकार में आए थे, आप भी सरकार में जिम्मेदारी थी, मंत्री थे, लेकिन जनता ये भी कहीं सवाल कर रही होगी, कुछ लोग तो ये जरूर पूछ रहे होंगे कि जो किसान कर्ज माफी थी या अन्य मुद्दे थे, आप 18 महीने तक सरकार में रहे, उससे आगे बढ़े नहीं, तो जिम्मेदार कौन? देखिए, जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने वोटों से चुनी हुई सरकार को नोटों के दम पर बदलने का, गिराने का काम किया है। आम आदमी नोट की सरकार नहीं, वोट की सरकार चाहता है। और अगर 1.5 साल हम थे तो जनता जनार्दन गवाही इस बात की है कि कमलनाथ जी ने, ये सारे लोग भी सुन रहे हैं, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम किया था। आज आप किसी भी गांव में चले जाइए, मुरैना नहीं, मध्य प्रदेश के किसी हिस्से में चले जाइए, जिनके 100 रुपए के बिजली के बिल आ रहे थे, और जो गरीब से गरीब परिवार में भी आज 10-10 हजार और 20-20 हजार रुपए के बिल उनके आ रहे हैं। जो कनेक्शन मोटर का होता था 1400 रुपए का, उसको 700 रुपए में करने का काम माननीय कमलनाथ जी ने किया था। माननीय कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार ने लगभग 26 से 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करने का काम हमने किया था। जो हमारी बच्चियां हैं उनकी शादी में 51 हजार रुपए देने का काम कमलनाथ जी की सरकार ने किया था। आज शिवराज सिंह जी अपने आप को मामा कहते हैं बच्चियों का, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने 51 हजार रुपए जो हम देते थे उसे घटाकर उन्होंने 27 हजार रुपए कर दिया। गौ माता के नाम के ऊपर हम लोगों ने वोट नहीं मांगे, लेकिन 1000 गौशाला खोलने का निर्णय हम लोगों ने किया था। और जो चारा भूसा, भूसे चारे की व्यवस्था गौ माता के लिए होती थी, वो जो है केवल 20 रुपए मिलता था, उसको बढ़ाकर हमने 6 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया था। 125 रुपए लगभग एक गौ माता को हम देते, उसको फिर से 5 करोड़ रुपए शिवराज सिंह जी की सरकार ने घटा दिया, 1 करोड़ रुपए कर दिया, मतलब लगभग 20 रुपए केवल जो है मिलेगा। तो ये निर्णय कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ जी की सरकार ने किए थे। 20 हजार नौजवानों को रोजगार देने का हम लोगों ने काम किया था। पानी के पीने की गारंटी देने का काम हम लोगों ने, ऐसे एक नहीं, इतने सारे काम हैं कि समय अभाव कम है, लेकिन बहुत सारी फहरिस्त गिनाई जा सकती है। तो जब 1.5 साल के अंदर हमने भू माफिया को तोड़ने का काम किया, हमने मिलावट माफिया को तोड़ने का काम किया, हमने अन्य प्रकार के शराब माफिया को तोड़ने का काम किया, और आज केवल 6 महीने हुए हैं, 6 महीने के अंदर आप देखिए परसों की घटना,
अकेले गुना जिले में 6 लोगों ने पेट्रोल डालकर अपनी आग लगा ली, आत्महत्या कर ली, उनको जला दिया गया। इसके तरीके से आज 14 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से उज्जैन के अंदर हो गई। तो ये माफिया राज जो हमने तोड़ने का काम किया था, उस माफिया राज को फिर से मिली जुली भगत से पनपाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसको लोग बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और बोलते कम हैं, लेकिन 3 तारीख को जब ये वोट डालने जाएंगे उस वक्त आपको ये आवाज समझ में आएगी। क्योंकि यहाँ आपको नहीं मालूम, यहाँ प्रशासन का इतना भय, पुलिस डिपार्टमेंट का इतना डर है थानेदारों का, कि यहाँ पर अगर कोई सच बात बोलता है तो उसको बंद करने का, प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। कल आपने देखा दिमनी में किस तरीके से पिटाई की गई। यहाँ पर भी जो हमारे प्रत्याशी हैं उन्होंने भी अपने रिश्तेदारों की ही पोस्टिंग ज्यादातर थानों पर करा रखी है। तो आम आदमी में इस बात का खौफ है, लेकिन ये खौफ पेटी पे नहीं रहेगा। जब वोट डालेगा वो इंसान, तो वो चाहेगा कि हम नीति के आधार पर जाएंगे, हम धर्म के आधार पर जाएंगे, हम अधर्म और नीति के आधार पर नहीं जाएंगे। ये जनता किसको वोट करेगी, ये जनता का काम है। लेकिन सुमावली के प्रभारी हैं बिजेन सिंह जी और लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। मुद्दा वही है, विकास की बात आज भी हो रही कई वर्षों के बाद। आज भी सड़क बिजली पानी को लेकर लोग परेशान हैं, और इसीलिए हम कहते हैं आप भी कहिए, वो भी कहिए, सब कहेंगे, लेकिन ये तो पब्लिक है, सब जानती है। सुमावली से मनोज सैनी, ID24 के लिए।